हे गाइस, माय नेम इज वीरेन सिंह। वेलकम टू दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं रिकॉलिंग विथ मेडिटेशन, एक ऐसी यूनिक स्ट्रेटेजी जो कि आपके प्रिपरेशन को बहुत ही बूस्ट कर सकती है, आपके रिकॉलिंग पावर को काफ़ी हेल्प कर सकती है। क्योंकि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आपको आप कि जो रिवीजन स्ट्रेटजी, जो करंट रिवीजन प्रैक्टिसेस है कि आपको देख के रिवाइज करने को बोला जाता है कि लिख के देख के ऐसे रिवाइज करने का, जब आप एग्जाम हॉल में होते तो आपको देख के रिकॉल नहीं करना होता, देख के चीजें नहीं करनी होती हैं। क्योंकि तो अभी आप क्या करते हैं, करंट आपके पास क्या अप्रोच है जो आप जल्दी फॉलो करते हैं कि जो टीचर ने पढ़ाया उसका शॉर्ट नोट्स या चीजें जो है देख देख के आप दिमाग में फीड कर रहे होते। रिवीजन करना एक तरीके का फीडिंग मेथड है, ना कि रिकॉल कह सकते हैं कि दिमाग से एक्सट्रैक्ट करना। जब भी हम कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं तो वहां पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिमाग से हमारे पास जो नॉलेज होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, ना कि फीड करना होता है। एक्चुअल में रिवीजन आप देखेंगे तो फीड करना है, आप किसी भी चीज को देख के पढ़ रहे हैं, मतलब आप दिमाग में उसको फीड कर रहे हैं। दिमाग से तब निकाला जाता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो प्रैक्टिस इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और रिवीजन सही तरीके से ना करने की वजह से आपको बहुत बेनिफिट नहीं मिल पाता। इसीलिए रिकॉलिंग मैं बहुत पहले भी बोलता आ रहा हूँ, लेकिन रिकॉलिंग के साथ साथ यहाँ पे मेडिटेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि व्हाट यू कैन डू या क्या आप रिकॉलिंग विथ मेडिटेशन जो है कर सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी, एक ऐसी यूनिक स्ट्रैटेजी जो मेरे माइंड में आई है और मैं अपने लर्नर के साथ इसलिए इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ कि आप सभी लोग इस अप्रोच को अप्लाई करिएगा और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा After trying this strategy, के क्या ये strategy beneficial है, साथ ही में आपको क्या ये अच्छा लगा और क्या और लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, so that जितने भी learners हैं, जितने भी students हैं, ये strategy follow करके जो है अपने recalling power को काफी अच्छा कर सके। So what you have to do, आपने meditation के बारे में सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है तो बहुत सारे meditation के videos आपके पास available है YouTube पे, उनको देख सकते हैं। बट करना meditation का basic funda ये होता है कि अपने माइंड को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना। लोगों ने अलग अलग तरीके के अलग अलग डेफिनेशंस बता रखे हैं, बट मेरे डेफिनेशन का सीधा सा मतलब, मेडिटेशन का मतलब सीधा सा ही होता है, अब किसी भी एक पॉइंट पे अपने माइंड को फोकस करना, वही मेडिटेशन है। अब मेडिटेशन आप रिकॉलिंग के साथ कैसे कर सकते हैं, सिंपली आप जब भी रहें तो एक अपने पोस्चर को जो है इस तरीके से, इस उंगली को ऐसे रखा, एक कह सकते हैं कि मुद्रा में बैठे और इस तरीके से बैठ गए। बैठने के बाद जो है अपने आंखों को क्लोज किया और क्लोज करने के बाद जो है आपने डीप ब्रीदिंग, जो बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं वो आपने किया 5-6 बार या 10 बार, जो भी आपको डीप ब्रीदिंग लगा। और डीप ब्रीदिंग के बाद एक रिलैक्स पोजीशन में आप चले गए, और चले जाने के बाद आप अपने दिमाग में जो है ऊल जुलूल के थॉट्स लाने के बजाय आप अपने किसी यूनिट या अपने किसी कोर्स को जिसको रिवाइज करना चाहते उसके ऊपर सोचना शुरू करिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मुझे बायोकेमिस्ट्री सोचना है, मैं जो है मेडिटेशन बायोकेमिस्ट्री के साथ करना चाहता हूँ। मैं बायोकेमिस्ट्री के अमीनो एसिड्स जो है वो 22 तरीके के होते हैं, जिसमें कि 300 मोर देन 500 अमीनो एसिड्स होते हैं। उस 22 तरीके के अमीनो एसिड्स में से एक कायरल अमीनो एसिड्स होता है, दो ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिसके पास दो कायरल सेंटर है, जैसे आइसोल्यूसिन और थ्रियोडीन। कई सारे अमीनो एसिड्स एरोमेटिक होते हैं, वो कौन से अमीनो एसिड्स है, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन। ऐसे कर करके जो है आप बहुत सारा एकदम डीप थॉट बायोकेमिस्ट्री में जा सकते हैं। ये जो चीजें मैं आपको ऐसे बोल के दिखा रहा हूँ, ये आपको कैसे करना था, आपको आंखें क्लोज करके अपने माइंड में बिना आप बोले उन थॉट्स पे जाइए कि ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसा है, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर कैसा है। जब आप रिकॉलिंग को विथ मेडिटेशन करने की कोशिश करिएगा तो लिटरली इट्स समथिंग जो आपके मेडिटेशन और आपका रिकॉलिंग एक साथ चल रहा है, मतलब पढ़ाई के साथ अपने ब्रेन को और स्ट्रॉन्ग और अपने थॉट्स को, अपने फोकस को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और जब आप इससे बाहर निकलेंगे, जब भी आप बायोकेमिस्ट्री या किसी भी यूनिट या किसी भी सब्जेक्ट से जब आप बाहर निकलते हैं, स्लोली डीप ब्रीथ लिया और बाहर निकलने के बाद आप एकदम शांत होंगे, आपने वो सारी चीजें, आपको ये बोझ नहीं लगेगा, आपको ये मजा आएगा। सो इस चीज को आप दिन में कम से कम 1-2 बार ट्राई करिए, 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आप कर सकते हैं। और करने के बाद इसी वीडियो के कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा प्रोसीजर। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ क्या करना है। एक सीटिंग पोस्चर में बैठिए, पैर को फोल्ड कर लीजिए और हाथ को कुछ इस तरीके से रखना है।
रखने के बाद जो है अपने आंखों को क्लोज करिए, डीप ब्रीथ लीजिए। इस तरीके से जो है आप 10 से 15 बार करिए। जब आप क्लोज, आप थोड़े रिलैक्स्ड हो जाए, आपकी बॉडी रिलैक्स्ड हो जाए, तो आप क्या करिए, फिर आप किसी भी यूनिट जिसको रिवाइज करना चाहते हैं उस यूनिट में धीरे धीरे चले जाइए, चाहे वो इनहेरिटेंस, चाहे वो डेवलपमेंटल, प्लांट फिजियोलॉजी। जाने के बाद उसके धीरे धीरे सिक्वेंशियल, अपने दिमाग को फोर्स मत करिए कि वो जो है सिक्वेंस वाइज टॉपिक्स को लेके आए। अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें जैसे जैसे टॉपिक्स आ रहे हैं, अमीनो एसिड के बाद हो सकता है प्रोटीन फोल्डिंग आ जाए, न्यूक्लिक एसिड आ जाए, फिर फैटी, कुछ भी जो आपके साथ फ्लो में आता जा रहा है आप बस उसी में रिकॉर्ड करते चले जा रहे हैं। ये काम आप 10 से 15 मिनट करके देखेंगे, आप पूरी यूनिट को रिकॉल कर सकते हैं बैठे बैठे। आप ट्राई करिए, शुरुआत में थॉट प्रोसेस थोड़ा कम आएगा, लेकिन आप जैसे जैसे रिवीजन करके ये काम करेंगे वैसे वैसे ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। और बेनिफिशियल है कि नहीं ये आप मुझे बताएंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखे रहें अपना भी और अपने फैमिली का भी, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। हे गाइस, माय नेम इज वीरेन सिंह, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई टीच ऑल यूनिट्स फॉर द CSIR, आई ट्रांसफॉर्म 1000+ माइंड्स एंड आई हैव क्वालिफाइड मेनी इंट्रेंस एग्जामिनेशंस। आई टीच CSIR ऑन एन एकेडमी प्लेटफॉर्म, सो आई हैव लॉन्च्ड मेनी पर्टिकुलर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज, सो यू कैन जॉइन मी ऑन एन एकेडमी। दिस इज माई प्रोफाइल एंड यू कैन सी देयर इज लाइक प्लस ऑप्शन, सो यू कैन गेट इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड PDF, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस यू विल फाइंड ऑन द प्लस। अपार्ट फ्रॉम प्लस, इफ यू सब्सक्राइब फॉर आइकॉनिक यू विल गेट पर्सनल कोच, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटीरियल्स, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। यूज माई रेफरल कोड वीरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट ऑन प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। दीज आर सम बैचेस where you can join on an academy or you can see individual classes, biochemistry, inheritance biology, methods in biology, and different courses are there, so that you can join, you can crack CSIR license very easily and very smartly. Full length courses are there, new batches every week, dedicated doubt sessions, weekly quizzes, full mock test you will get on an academy subscriptions. So these are the offers. You can subscribe for 3 months, 6 months, 12 months, or 24 months. This is the price structure. If you subscribe with a referral code Viren or Viren Live, you will get the 10% discount. And this price, 11,600, will be reduced to the 10,545 for your 6 month subscriptions. So you can join in my special classes where interactive live classes are there. These are the free classes. You no need to pay, not need to pay any penny or any kind, any particular rupees for the classes. So you can join it freely. Poll the learners options are there. Raise your hand options and never miss classes. There is a notification for each and every class and lecture notes will also be provided. Join me on an academy. Use the referral code Viren or Viren Live to get the 10% discount. Thank you so much.